सभी दोस्तों, रणवीर सिंह राठौड़ देरासर का नमस्कार। ये रूम है, ये रूम पहले भी एक बार वीडियो में मैंने दिखाया है। नीचे का टाइल दिखाया था, अभी आपको दिखा रहा हूँ ऊपर का पीओपी। ये रूम का ऊपर का पीओपी किया हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। कभी भी आप रूम के अंदर पीओपी करवाते हो तो ये किया हुआ आप देख सकते हो, अच्छा लगे तो आप ऐसा करवा सकते हो। ये पीओपी किया हुआ है, पीओपी के अंदर ये लाइट का पॉइंट। दोपहर का समय है लेकिन बारिश हो रहा है, इसलिए अंधेरे जैसा दिख रहा है, पूरा एकदम क्लियर दिख रहा नहीं है, फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दूसरा लाइट का पॉइंट, और ये ऊपर सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर से 3 इंच कम से कम नीचे लेकर के ये दूसरा लाइट, तीसरा लाइट का पॉइंट 3 इंच लेकर के एकदम एक बॉक्स के जैसा बनाया है। ज़्यादा गोलमाल वैसा भी डिज़ाइन नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है। ये छोटा लाइट का पॉइंट आ गया, और ये फैन, फैन का पॉइंट, और ये बीचों बीच जो फैन लगेगा इसके बीच में थोड़ा ये डिज़ाइन जैसा बनाया है। चारों तरफ से पूरी दीवार से कम 1.5 फुट दूर लेकर के, और सीलिंग से 3 इंच नीचे रख कर के पूरा बॉक्स के जैसा बनाया है। इसके बाद में फैन के लिए अलग से ये डिज़ाइन बनाया है, बाहर रखा है इसको। और रूम के सेंटर में फैन दिया है, ये पूरा डिज़ाइन है पीओपी का। ये बाहर बाथरूम के पास में लाइट का पॉइंट, और ये लाइट का पॉइंट, ये लाइट का पॉइंट, ये विंडो जो ग्रेनाइट का बनाया है, एक इधर एसी का पॉइंट है, और ये दूसरा विंडो। बाहर बारिश हो रहा है, बहुत ही शानदार मौसम। राजस्थान के अंदर फिलहाल बहुत गर्मी है, लेकिन गोवा महाराष्ट्र इधर बहुत बारिश है। 15 जून के आसपास बारिश चालू हो गया था, एकदम ठंडा मौसम है, सुहाना मौसम है। फिर से आपको पीओपी का ये दिखाना चाहता हूँ एक बार, ताकि आपको ढंग से थोड़ा समझ आ जाए। ये अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कोई भी पीओपी के अंदर कमी हो डिज़ाइन में तो बताना, और अच्छा लगा तो बताना। और 1-2 दिन 3 दिन से हमारी वीडियो पीओपी के, टाइल के, बाथरूम के, वॉश बेसिन के, किचन के, फ्रेम के आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।